हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप। नाउ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नई वीडियो सीरीज जो कि रिलेटेड है एमएस एक्सेल से। इस दौरान हम एमएस एक्सेल से रिलेटेड सारी वो बातें समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से या जिनकी हेल्प से आप सही तरीके से एमएस एक्सेल में काम कर पाएं, सही तरीके से कैलकुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएं, सही तरीके से चार्ट रेडी कर पाएं या तमाम जितनी भी चीजें एमएस एक्सेल में पॉसिबल हैं वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकें काफी आसानी से। एंड आई होप ये सीरीज आपको काफी हेल्प करेगी एमएस एक्सेल में वर्क करने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड या ड्यूरिंग दिस सीरीज हम जो भी सेशंस आपको बताएंगे उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप उसको अपनी ओर से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट एमएस एक्सेल। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और आज के सेशन में जो बातें हम कवर करने वाले हैं वो ये हैं, व्हाट इज एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है, यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एमएस एक्सेल के विंडो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एमएस एक्सेल के जो विंडो में बेसिक एलिमेंट्स होते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर वर्किंग इन एमएस एक्सेल वो हम समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स इन द सेंस बेसिक जो पार्ट्स हैं एक्सेल के विंडो के। और जैसे कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, सेल, एक्टिव सेल, सेल एड्रेस, तमाम टैब, रिबन्स, टूल्स या बोल सकते हैं स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, नेविगेशन बार एक्सेट्रा। तो इस तरह से जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं एक्सेल विंडो के वो सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एमएस एक्सेल फर्स्ट। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट एमएस एक्सेल, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर सिस्टम में दो बातें होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप विंडो 7, विंडो 8 या विंडो XP जो पहले चलता था या विंडो 10 आज की डेट में चल रहा है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमिलरली यदि आपको कोई वर्क करना है, अपना काम करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर मार्केट में है या जिनको आप प्रयोग करते हैं दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरह से एमएस एक्सेल भी बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है जो कि एक पार्ट होता है एमएस ऑफिस का। आप अच्छे से जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हम एमएस ऑफिस सीखते हैं। और जब एमएस ऑफिस की हम बात करते हैं तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीन प्रमुख चीजें होती हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं मतलब ये किसी न किसी टाइप के काम को करने के लिए यूज होता है। तो फॉर व्हाट वर्क वी कैन यूज एमएस एक्सेल, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग कैलकुलेशन, अर्थात कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी काम हैं यदि वो आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वर्क के लिए या उसके लिए हम एमएस एक्सेल को प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी स्कूल की मार्कशीट आपको रेडी करनी है तो आप एक्सेल यूज कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय का सैलरी शीट अगर आपको डिजाइन करना है तो वो आप एक्सेल में कर सकते हैं। कहने का मतलब कैलकुलेशन जहां इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल के विंडो में आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है, यहां पे हमने एक शीट बनाई है जिसमें हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करेंगे, उसका जो ग्रैंड टोटल है वो सारा यहां पे आ जाएगा। ये एक सिंपल बनाया हुआ है मैंने। तो यदि मैं यहां पे मार्क्स एंटर करता हूं, मैं थोड़ा जूम करके एक बार आपको दिखा दूं शायद आपको विजिबल ना हो, तो आप देखेंगे यहां पे मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है और मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टूडेंट के मार्क्स डालूंगा लाइक SA1, PA1, PA2, सब्जेक्ट एडजस्टमेंट, नोटबुक करेक्शन एक्सेट्रा। सो उसकी बेसिस पे ये ग्रैंड टोटल हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे जल्दी से मार्क्स डालने बताता हूं आपको। लेट सपोज मैंने यहां पे डाल दिया नेम, डाला राहुल, जो भी है, मैंने मार्क्स इनपुट किए 89। यू विल सी ऑटोमेटिकली यहां पे चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं 20 मार्क्स फीड करता हूं तो यू विल सी ऑटोमेटिकली यहां पे डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे। राइट साइड में यू कैन सी हियर द डिफरेंस एंड वी आर गेटिंग द टोटल एज वेल, लाइक इफ आई एंटर 5 हियर, सो यू विल सी वी आर गेटिंग द ग्रैंड टोटल। Although it is not correct because मैंने मार्क्स ज्यादा डाल दिए, but suppose that अगर मैं यहाँ पे 56 कर लूँ तो 88 मेरे लिए। So this is what basically implementing what calculation. So this is how we can use MS Excel. इसी तरह से
we can use MS Excel for database management. It is very very important point. MS Excel को database manage करने के लिए use किया जा सकता है. साधारण शब्दों में कहा जाए तो MS Excel का प्रयोग करके किसी भी organization के records को भी आप manage कर सकते हैं. Small industry की अगर मैं बात करूँ, बहुत very large scale industry के लिए Excel हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, but up to small level, up to middle level industry का अगर आपको किसी तरह का record manage करना है, record in the sense, suppose that मेरा एक school है और school के बच्चों का record मुझे manage करना, उनका name, detail, etc. तो वो सारा काम मैं Excel में कर सकता हूँ. किसी मेरे school के या मेरे organization के employees का अगर मुझे records को manage करना है, that we can do in MS Excel as well. So that is called what database management. For example, फिर से मैं आपको Excel की sheet में इसे बताने की कोशिश करता हूँ. आप अपने screen में भी देख रहे होंगे, जैसे कि ये एक sheet बनी हुई है, एक छोटा सा एक project सा बना हुआ है Excel में. यहाँ पे मैंने records manage किया हुआ, like अगर मैं biodata में click करता हूँ, तो you can see here यहाँ पे students का biodata आ जा रहा है. So this is what कि हम हमारे Excel में records को भी manage कर सकते हैं. वापस जाता हूँ, लाइक इस तरह से मैंने डिफरेंट बटन्स बनाए हुए हैं. ये एक मार्कशीट कैलकुलेशन का एक स्मॉल प्रोजेक्ट है. तो मैं एक्चुअली इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं या एक्सेल को किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं. तो ये भी एक यूटिलिटी होती है एमएस एक्सेल की. इसी तरह से वी कैन ऑल्सो यूज एमएस एक्सेल फॉर अकाउंटिंग बेस्ड वर्क. अकाउंटिंग बेस्ड वर्क कहने का मतलब है अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो भी आप बहुत अच्छी तरह से एक्सेल में कर सकते हैं. हालांकि मैं अकाउंट का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट अगेन मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर जाके देखेंगे फॉर्मूलाज में, तो आप देख रहे होंगे यहां पे एक फाइनेंशियल ऑप्शन दिख रहा होगा आपको. तो इसमें यदि आप क्लिक करते हैं तो यू विल सी लॉट्स ऑफ अकाउंट बेस्ड फंक्शंस आर ऑटोमेटिकली और रेडली अवेलेबल. इनको प्रयोग करके अकाउंट से रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं. इस तरह से बहुत सारे और भी फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करेंगे फ्यूचर में. एंड इसी तरह से एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, दैट इज वी कैन यूज एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स. हम चार्ट भी एक्सेल की हेल्प से बना सकते हैं. चार्ट इज व्हाट बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. किसी भी डेटा या रिकॉर्ड्स को पिक्चर के फॉर्म में डिस्प्ले करना. इसका फायदा साधारण शब्दों में सीधे सीधे ये है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनकी बेसिस पे अगर आपको कुछ एनालाइज करना है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, किसने सबसे ज्यादा गेन किया, किसने सबसे ज्यादा कम किया, तो अगर आप नॉर्मल डेटा या रिकॉर्ड्स की बेसिस पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. बट यही चीज अगर आप चार्ट्स के फॉर्म में शो कर देंगे तो इमीडिएटली उस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी प्रोग्रेस बढ़ रही है, घट रही है, कब डाउन हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा गेन किया, कौन सबसे ज्यादा या माफ कीजिए कम गेन किया. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ. नाउ यू सी हियर कि ये मेरा एक चार्ट बना हुआ है, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार बाइक्स हैं. मंथली वाइज हमने उसका रिकॉर्ड किया है कि कितनी बाइक्स हमारी सेल हुई है. इसके बाद जब मैंने इस चार्ट को यहाँ पे बनाया है, इसमें आप देख के तुरंत समझ सकते हैं कि ब्लू लाइन इज प्रेजेंटिंग व्हाट होंडा. तो इस होंडा की प्रोग्रेस लगातार मंथ वाइज बढ़ रही है. बट आप देखेंगे ये ग्रीन कलर, दैट इज ऑफ यामाहा, इसकी जो सेलिंग है वो पूरी तरह से डाउन हो रही है. तो ये एक एग्जांपल हुआ कि किस तरह से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ एमएस एक्सेल. तो एमएस एक्सेल इज ऑल अबाउट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग कैलकुलेशंस टू स्टोर रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एज वेल एज चार्ट्स. तो ये तो बात हुई एमएस एक्सेल का यूज हम कहाँ करते हैं. अब हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. एमएस एक्सेल में वर्क शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी होता है कि एक्सेल का जो विंडो है उसमें किस पार्ट को या किस एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ये आप अदरवाइज वर्क करने में हमें दिक्कत हो सकती है. तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एमएस एक्सेल में जो हम यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर गोइंग टू वर्क इन एमएस एक्सेल. सो मैं पहले आपको एक्सेल का बेसिक विंडो दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक करके सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ यू कैन सी, जैसे ही मैंने एक्सेल को स्टार्ट किया, आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह का एक्सेल का यू कैन से स्क्रीन आ जाता है, सामान्य शब्दों में कहें. बट बेटर ये होगा कि हम ये कहें कि एक्सेल का एक विंडो आ जाता है. आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करिए, ये इस तरह का दिखता है. एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेल जो हम बात कर रहे हैं, ये 2007 ऑनवर्ड्स किसी भी टाइप ऑफ वर्जन में या टाइप ऑफ वर्जन ऑफ एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा. तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है
कि ये 2007 में है तो मैं 2015 में काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से आसानी से काम कर सकते हैं। जहां पे जो डिफरेंसेस होंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट यू फील फ्री टू वर्क विद एनी वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल आफ्टर 2007, बिकॉज 2007 के पहले का जो इंटरफेस था या विंडो था वो टोटली डिफरेंट था। नाउ अभी मैं बात कर रहा हूं एक्सेल के बेसिक विंडो की। तो ये इस तरह का विंडो आपके स्क्रीन में आता है। इस विंडो में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये रेड कलर का एरिया अलग पार्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग यू कैन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है एक्सेल विंडो का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्कशीट। उसके बाद में हम देखेंगे वर्कबुक क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेल, सेल के बाद सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के बाद एक्टिव सेल क्या होता है, और उसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे टैब्स, रिबन्स, टूल्स की। तो चलिए मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जब आप एमएस एक्सेल का विंडो ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो एक्सेल का विंडो है ये एक टेबल के फॉर्म में खुलता है। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट नॉन क्लाइंट एरिया, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट एरिया। क्लाइंट एरिया जहां पे आप अपना काम करते हैं, यहाँ आप अपना काम नहीं करते, इन फीचर्स को यूज करके आप एक्सेल में अपने अदर वर्क को कंप्लीट करते हैं। ये जो एक्सेल का विंडो आप देख रहे हैं इसमें ये जो टेबल के जैसा यहाँ पे पूरा बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर वर्कशीट। वर्कशीट इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और हर एक रो की एक नंबर फिक्स है और हर एक कॉलम का एक नेम फिक्स है, जिससे उन कॉलम्स या रोज की आइडेंटिफिकेशन होती है। आप इन रोज को या कॉलम्स के नेम को या नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यदि मैं इसको डिलीट कर दूं तो डिलीट हो गया, बट नहीं, जो ई का जो रो था वो शिफ्ट हो गया डी में, इस तरह से बाकी सारी शिफ्ट जो होती है वो प्रीवियस में आ जाती है। सो कभी भी हम इनके नेम्स या नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो वर्कशीट जो होती है वो रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्सेल में जो भी आप काम करते हो उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, और जब कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है तो मतलब वहां पे हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। इसलिए एमएस एक्सेल का जो शीट है या जो वर्किंग शीट है वो ऐसा बना के आपको दिया हुआ है कि आपको ये टेंशन ना हो कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, वो आप पहले बनाने बैठ जाओ। इसलिए ऑलरेडी एक्सेल की शीट जो है वो टेबल एंड सॉरी टेबल के फॉर्म में है या रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है। सो दैट आप डायरेक्ट जाइए, अपने डेटा एंटर कीजिए, कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए फॉर्मूला या फंक्शन लगा के। तो एक्सेल की जो वर्कशीट है इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ना जब भी आप इसमें वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद आप जब इस फाइल को सेव करने चले जाते हैं तो उस दौरान आपकी जो फाइल होती है या जो एक्सेल की फाइल बनती है दैट इज कॉल्ड वर्क बुक। काम आप वर्कशीट में करते हैं लेकिन जो फाइल एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्कशीट नहीं होती है, वो एक वर्कबुक होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर 100 पेजेस, 190 पेजेस होते हैं या 190 पेजेस की एक रजिस्टर आता है, तो ऑल दोज पेजेस आर बेसिकली कैन बी सेड अ वर्कशीट, और उन पेजेस का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर, और वी कैन से व्हाट अ वर्कबुक। तो वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ व्हाट वर्कशीट। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वर्कशीट में, माफ कीजिए, आप अपने वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट रख सकते हैं। मतलब आप एक फाइल बनाइए एक्सेल की, अर्थात एक वर्कबुक बनाइए और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग शीट्स रख सकते हैं। एक वर्कबुक में मैक्सिमम आप 255 वर्कशीट को रख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप रोज जब काम करें तो ऐसा नहीं है कि आप एक वर्कबुक बनाए, रोज एक नई फाइल बनाइए। आप सिर्फ एक फाइल बनाइए अपने नाम से, मतलब एक वर्कबुक बनाइए, और उसके अंदर रोज नई शीट को इंसर्ट करते चले जाइए। शीट कैसे इंसर्ट करनी मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे देखेंगे लेफ्ट साइड में शीट 1, शीट 2, शीट 3, मतलब आपकी जो वर्कबुक है इसमें बाय डिफॉल्ट अभी तीन शीट्स आपको दिख रही है। लाइक ये मैंने टाइप किया ए, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय सी, या जो भी। तो आप देखिए इसको सी कर दीजिए दो सेकेंड। तो ये थर्ड शीट है, ये सेकेंड शीट है, ये मेरी फर्स्ट शीट है। नया शीट चाहिए, राइट साइड में क्लिक करिए, शीट नंबर 4 आ जाती है। तो कहने का मतलब दिस इज व्हाट योर वर्कबुक, और उस वर्कबुक के अंदर आप अलग अलग शीट पे अपने अलग अलग वर्क को कर सकते हैं। बाद में इसे डबल क्लिक करके आप अपना जो भी नाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं वर्कबुक वर्कशीट क्या है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वर्कशीट की, जैसे मैंने बोला कि इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो जब रोज एंड कॉलम से मिलकर ये बनता है तो आप देखते हैं ये स्मॉल बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। ये जो बॉक्सेस होते हैं दे आर कॉल्ड सेल। सेल का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ सिंगल रो
एंड सिंगल कॉलम, अर्थात आप जो भी वर्क एमएस एक्सेल में करते हैं या वर्कशीट में करते हैं वो हमेशा आप कहां करते हैं, एक सेल में करते हैं। तो सेल इज नथिंग, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ सिंगल रो, एक रो और एक कॉलम से मिलकर ये सेल बनती है। आपकी सेल आप देख रहे होंगे ये थोड़ी सी इसके जो बॉर्डर है वो हाईलाइटेड है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एट ए टाइम एमएस एक्सेल में या एक वर्कशीट में केवल एक ही सेल एक्टिव हो सकती है, और एक्टिव सेल का मतलब ये है आप जो भी काम करेंगे, जो भी एक्शन आप लेंगे वो कहां होगा, जो सीट, जो सेल एक्टिव होती है। अर्थात अगर मैं अभी टाइप करूंगा तो देखिए वो एक्टिव सेल में टाइप हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो यहां टाइप हो। तो एक्टिव सेल प्लेज द रोल ऑफ कर्सर इन एमएस एक्सेल। जैसे एमएस वर्ड में कर्सर होता है जो बताता है कि आपका एक्शन कहां होगा, आपका काम कहां होगा, उसी तरह से एक्टिव सेल एक कर्सर का काम करता है एमएस एक्सेल में। किस सेल में आपको क्या काम करना है ये बताने के लिए उस सेल को हम एक्टिव करते हैं। आप माउस से क्लिक कर दीजिए, टैब दबाते जाइए, सेल एक्टिव होते चली जाती है। एट ए टाइम केवल एक सेल एक्टिव होती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेल इज व्हाट सेल एड्रेस, ये हमारे लिए पूरे एमएस एक्सेल के दौरान काम आने वाला है। तो आप अभी कुछ याद रखें या ना रखें, आपके दिमाग में सेल का एड्रेस हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन या कोई भी वर्क करेंगे हमेशा हमको सेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सेल एड्रेस देखिए, ये एक सेल है, इस सेल के रो कॉलम का नेम है ई और रो का नंबर है 5। क्लियर। सो इस सेल, चूंकि ये रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन है, सो इस सेल की भी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आइडेंटिफिकेशन इसके एड्रेस से होती है, और ये एड्रेस होता है कॉलम नेम प्लस रो नंबर, दैट इज E5। आप यहां पे देखेंगे इस सेल को जब मैंने क्लिक किया तो इसका एड्रेस यहां पे आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये E7 आपको यहां पे दिख रहा है। उसी तरह से जब आप इसको क्लिक करते हैं दैट इज योर F5, आप देख पा रहे होंगे ये F5 आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज व्हाट सेल एड्रेस। इसके अलावा यू कैन सी दीज आर स्क्रॉल बार्स, अगर आपको वर्कशीट को लेफ्ट राइट मूव करना है दैट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दिस इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार, एंड दीज आर नेविगेशन, शीट नेविगेशन बार, यहां से आप डिफरेंट शीट्स में जा सकते हैं। एंड इसके बाद में मैं आ जाता हूं, आप देखेंगे ये रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा होगा जहां पे बुक वन लिखा हुआ है, दिस इज वॉट योर टाइटल बार, मतलब इस पर्टिकुलर वर्कशीट का या वर्कबुक का माफ कीजिए जो टाइटल है या जो नाम है वो क्या है, जो बाय डिफॉल्ट इट इज बुक वन। जब आप इसको अपने नाम से सेव कर देते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसे सेव कर दू यहां से, जैसे कि मैंने यहां पे इसे सेव कर दिया ऐसे ऐसे, देन यू विल सी कि यहां पर इसका नाम चेंज होके ऐसे ऐसे आ रहा है। सो दिस इज वॉट टाइटल बार। ऑल दीज आर टैब्स, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज योर होम टैब, टैब इज ग्रुप ऑफ टूल्स, होम का मतलब इसमें होम से रिलेटेड या जो कॉमन टूल्स हैं जो हम सबसे पहले यूज करते हैं वो दिखेंगे आपको। वेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट, दिस इज इंसर्ट का टैब, ये इंसर्ट का टैब ओपन हो गया, यहां पे इंसर्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप फॉर्मूला में क्लिक करते हैं तो यू विल सी यहां पे फॉर्मूला से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एक एक करके हम सबको देखेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल दीज आर कॉल्ड टैब्स। एंड जब आप होम के टैब को क्लिक करते हैं तो नीचे ये जो पूरा एक स्ट्रैप दिख रहा है, एक पट्टी सी दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं रिबन। मतलब ये होम को क्लिक किया तो होम का रिबन आ गया, और इस रिबन में ये जितने भी स्मॉल बटन्स आपको दिख रहे हैं ऑल दीज आर कॉल्ड टूल्स। इन्हीं टूल्स को यूज करके हम काम करते हैं, लाइक मैंने यहां पे कोई नाम लिखा, जब मैं इसे क्लिक करूं तो यहां पे एक टूल दिख रहा है साइज का, अगर मैं इसे बड़ा कर दूं तो ये साइज इंक्रीज हो जा रहा है। सो दीज आर टूल्स या कमांड्स जिनको यूज करके हम एक्सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, दिस इज रिबन, दिस इज टैब, दिस इज टाइटल बार, दिस इज योर स्क्रॉल बार्स, दिस इज योर वर्कशीट, एंड वर्कशीट का कलेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वर्कबुक। तो एमएस एक्सेल में जब भी आप काम करते हैं यू गेट ए वर्कशीट, रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है, जहां पे आपको इंप्लीमेंट करना है अपना वर्क। मैंने आपको बताया रोज एंड कॉलम्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि एक्सेल में जो भी काम होगा उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा,
और जब कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है तो वो हमेशा टेबल के फॉर्म में होता है, इसलिए रोज एंड कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए एमएस एक्सेल को पहले से उस फॉर्मेट में बना दिया गया है। जब आप एमएस वर्ड में होते हैं वहां पे आपको टेबल जब जरूरत पड़ती है तब आप इंसर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है क्योंकि वहां आपको टाइप करना है। एक्सेल में हमको कोई टाइपिंग से रिलेटेड या कोई लेटर ड्राफ्ट नहीं करना है, हमको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना है, दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। तो आई होप कि ये एक्सेल का विंडो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, तो इट इज वेरी इजी, नाउडेज यू नो वेरी वेल हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स। नाउ यू, जैसे मैंने बोला, यू क्लिक ऑन स्टार्ट, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम में आपको एमएस ऑफिस मिल जाएगा, इस एमएस ऑफिस में जाइए, यहां से आप एमएस एक्सेल को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एमएस एक्सेल को क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके स्क्रीन में एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। सो आई होप गाइज नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटीज ऑफ एमएस एक्सेल, व्हाई वी यूज एमएस एक्सेल, व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स वी गेट व्हाइल वर्किंग इन एमएस एक्सेल। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जहां पे हम सीखेंगे कैसे हमें टेबल क्रिएट करना है एमएस एक्सेल में और इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कैलकुलेशंस पे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।